हेलो गाइस, आप सभी का अपने चरण शर्मा के टॉक्स में स्वागत है। तो यहाँ पे गाइस हम बात करेंगे इस वीडियो में यूनिपार्ट आईपीओ और धर्माज आईपीओ के डिटेल्स के बारे में। यहाँ पे ग्रे मार्केट प्रीमियम हो गया है क्रैश, कितना कैसा ग्रे मार्केट प्रीमियम बचा और हमें क्या करना चाहिए, और साथ में गाइस यहाँ पे धर्माज कॉर्प जिसका कल है लास्ट डेट, तो इसमें फाइनली हमें लगाना है नहीं लगाना है, किस सिचुएशन में लगाना है, या ये समझ लो कि फाइनल डिसीजन वाली वीडियो है ये कि आपको किस कंडीशन में सेफ्टी मिली, किस कंडीशन में नहीं, कितना रिस्क है, किस में अलॉटमेंट के चांस ज्यादा है ये भी बताऊंगा। साथ में गाइस एसएमई कैटेगरी के आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम सब्सक्रिप्शन डिटेल सबकी और भी कई सारी चीजें यहां पे जानने कोशिश करेंगे। तो यहां पे गाइस बिल्कुल ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट, चाहे आप एसएमई कैटेगरी के आईपीओ के लिए जाना चाहते हैं या फिर मेन लाइन आईपीओ के लिए, तो वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। जब चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि आपको हमेशा जनरल अपडेट्स हमारी तरफ से मिलती रही है और आगे भी मिलती रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं गाइस डिटेल्स हम यूनिपार्ट इंडिया लिमिटेड आईपीओ से। यहां पे गाइस 30 को ये ओपन होगा, यानी कि कल से जब आप वीडियो देख रहे होंगे, ठीक है। तो गाइस यहां पे जो क्लोजिंग डिटेल्स की वो 2nd of November रहने वाली है, अलॉटमेंट 7 को पता चलेगा, लिस्टिंग डेट 12 को, 10 की फेस वैल्यू 570 रुपए का प्राइस बन रखा गया है, और यहाँ पे 835 करोड़ रुपए का पूरा ओएफएस है। कंपनी अपने लिए कुछ भी नहीं उठा रही, यानी कि फ्रेश इशू कुछ भी नहीं है। 25 मिलने वाले हैं, लिंक इन टाइम इसका रजिस्टर है, 35 पर्सनल कोटा डिटेल्स रखा गया है। इसमें कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हैं बिजनेस को लेके, कोई लिस्टेड प्लेयर नहीं है मार्केट में, लेकिन कई नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। इसका जो डिटेल रिव्यू मैंने किया था, अगर जो आपने नहीं देखा अभी तक जाके देखना, उसमें क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव पॉइंट है ये मैंने बता रखे हैं। जब एंकर लिस्ट आ जाएगी तो मैं न्यूज चैनल पर शेयर कर दूंगा, जो एसएमटी का न्यूज चैनल है वहां पे एंकर लिस्ट में कौन पैसा लगाता है इस पे ही डिपेंडेंसी बनेगी कि इसमें सब्सक्रिप्शन कितना आएगा, ठीक है, और उसके बाद ही इसमें डिसीजन क्लियर होगा। फिलहाल इस आईपीओ में अवॉइड करना है आपको, इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम आप पूरी तरीके से क्रैश होता हुआ देख सकते हो, 100 से 120 130 तक जाता हुआ दिखा था, इवन रिवर्ट जीएमपी 140 50 तक की भी थी, लेकिन अभी आपके सामने है जो कि हम अपने न्यूज चैनल पे रेगुलर शेयर करते हैं, ठीक है, बस का स्क्रीनशॉट नहीं ले पाता था मैं। तो न्यूज चैनल पे आपको सिर्फ इसके रिगार्डिंग नहीं बहुत सारी चीजें मिल जाती है, चाहे बात करें नॉर्मल स्टॉक्स की क्वार्टर के रिजल्ट जो आते हैं या फिर उनसे रिलेटेड कोई भी न्यूज, प्रमोटर्स से रिलेटेड कोई भी न्यूज, सारी न्यूज आपको स्टॉक मार्केट की सारी इंपॉर्टेंट न्यूज देखने को मिल जाती है, और आईपीओ के जीएमपी आईपीओ के डिटेल सब कुछ मिल जाते हैं। तो इसको फॉलो करना, नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर 2 पे इसका लिंक मिल जाएगा, या फिर स्टॉक मार्केट न्यूज के नाम से आप फाइंड भी कर सकते हो। आईपीओ का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम गाइस यूनिपार्ट का, वो हमें 45 से 50 देखने को मिल रहा है। आपको बताया अभी 130-140 तक जाता हुआ दिखा था, लेकिन 50 हो गया, तो यहाँ पे गाइस क्रैश होना ही इसको कहते हैं। अभी कल के दिन तक 100 रुपए के आसपास था, 90-100 के आसपास, तो गाइस यहाँ पे जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो बहुत ही ज्यादा गिर गया, और ये सिर्फ 8 से 9% अभी हमें बचा है, जो कि 20% से ज्यादा का था, ठीक है, 20-25% तक देखने को मिल रहा था। एक लॉट में करीब 1200 गेन हमें देखने को मिल रहा है इस आईपीओ के हिसाब से। तो यहाँ पे गाइस जब तक एंकर लिस्ट नहीं बाहर आती है, क्लियर नहीं होता है, तब तक अभी मजा नहीं आएगा इस आईपीओ में। पैसे बचा के रखने हैं, बहुत अग्रेसिव नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत बचा के रखना है इसके लिए कि इसमें हम लगा सके, मतलब 1-2 लॉट 3 लॉट ज्यादा मैक्सिमम नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस नेक्स्ट आईपीओ की बात करते हैं, इसका हम देखेंगे 2nd day और 3rd day यूनिपार्ट का, मतलब 1 तारीख या 2 तारीख को देखेंगे कि लगाना लगाना है। तो नेक्स्ट आईपीओ की बात करते हैं, उसके पहले बता दूं आपको मैं कि शेयर मार्केट टॉक्स का टेलीग्राम हैंडल, यहाँ पे 8-9% अगेन आप बड़ी आसानी से रेगुलर कमा सकते हो। यहाँ देख सकते हो आपको चार्ट शेयर किया जाता है, निफ्टी बाय निफ्टी के लेवल दिए जाते हैं, ठीक है, कि मतलब किस लेवल पे क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रहा है। उसके साथ ही यहाँ पे आपको कई सारे सजेशन भी दिए जाते हैं, मतलब उस टाइम में जब मार्केट सिचुएशन थी तो मार्केट स्ट्रॉन्ग था, हालांकि लास्ट में गिरता हुआ हमें दिखा, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आती दिखी है, लेकिन यहाँ पे आपको देख लो बंपर कॉल दिया है 400 से 440 ये कॉल, ठीक है, और यहाँ पे एक मिस्टेक थी मेरी तरफ से 370 से 440 की प्रॉफिट बुकिंग, सेम कॉल ही थी, बट यहाँ पे क्या किया था मैंने सीई नहीं लिखा था, तो जो लोग एक्सपीरियंस है उन्होंने तो देख लिया कि सीपी में जिसका स्ट्राइक प्राइस सेम है वो उन्होंने ले लिया, तो मैंने जस्ट अपडेट कर दिया था। यहाँ पे मैंने लिख भी दिया था कि सिर्फ कुछ लोगों ने ही बाय किया होगा, तो यहाँ पे गाइस बंपर और शानदार प्रॉफिट देखने को मिल जाता है आपको। इसके साथ ही यहाँ पे इंट्राडे कॉल भी देखने को मिल जाती है, आज एक कॉल में स्टॉप लॉस भी लगा है यहाँ पे गाइस। उसके साथ आप देख लो यहाँ पे पर शेयर का ये कितना गेन है, 2.5 रुपए और 5 रुपए एक में आपको गेन देखने को मिला। तो इंट्राडे कॉल, स्विंग ट्रेड, बीटीएसटी, पोजिशनल कॉल, निफ्टी बैंक निफ्टी कॉल आपको देखने को मिल जाती है, इतने सारे बेनिफिट फ्री ऑफ कॉस्ट, आप बिल्कुल ज्वाइन कर लो, आप इसको मिस मत करना। तो यहाँ पे गाइस डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, कमेंट सेक्शन में लिंक है, नंबर 1 पे इसका, नंबर 2 पे न्यूज चैनल का। अगर जो आप उस लिंक से नहीं ज्वाइन कर पा रहे तो शर्मा के टॉक्स को फाइंड करना, ज्यादा सब्सक्राइबर्स देख के मत जाना, कई सारे लोग अपने जो हमारा पुराना डीपी है ना उसको लगा के फेक सब्सक्राइबर्स लाके बैठे हुए हैं, लेकिन गाइस सही चैनल के साथ जुड़ना, 23 के सब्सक्राइबर देखने को मिल रहे हैं शेयर मार्केट टॉक्स सेम इस डीपी के साथ, किसी और चैनल के साथ मत जुड़ना। तो यहाँ पे गाइस आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं धर्माज ग्रुप की। धर्माज ग्रुप की बात करो गाइस, तो यहाँ पे जो डेट्स हैं वो 28 को ओपन हुआ था, आज इसका डे 2 था, सब्सक्रिप्शन बताने वाला हूं यहाँ पे अभी आपको, कल लास्ट डेट है। तो फाइनली इस वीडियो में हम जानेंगे कि लगाना है कि नहीं लगाना है। अलॉटमेंट डेट है 5 को, लिस्टिंग डेट है 8 को, 10 रुपए सेल्यू पे 237 रुपए प्राइस बैंड है, 251 करोड़ यानी छोटा आईपीओ है, जिसमें से 216 करोड़ फ्रेश इशू है, बाकी ओएफएस देने को मिल रहा है। एक लॉट में 60 शेयर और जो रजिस्टर है वो लिंक इन टाइम, 35% कोटा रिटेलर्स के लिए रखा गया है 35% का, एनआईएस के लिए सिर्फ 15% का, क्यूएबीस के लिए 50% का, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस जो डे 2 का सब्सक्रिप्शन हमें देखने को मिल रहा है वो टोटल 5.97 टाइम देखने को मिल रहा है, एम्प्लॉय ने काफी भरोसा दिखाया है, और ये चीज एम्प्लॉय के पास वैसे बहुत ज्यादा, जब आईपीओ का साइज ही छोटा है तो बहुत ज्यादा लॉट भी नहीं मिलेगा, बहुत ज्यादा शेयर भी अलॉटेड नहीं है, तो यहाँ पे फिर भी उसके हिसाब से काफी बड़े सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। रिटेलर्स ने अपना कोटा 7.75 टाइम कर दिया, एनआईएस ने यहाँ पे 8.74 टाइम, और यहाँ पे गाइस क्यूएबीस की बात करो तो 0.76 टाइम कर दिया है।
यहाँ पे गाइस जो NIIs हैं उनका मैंने एक साथ काउंट कर लिया, 2 लाख से 10 लाख वाले और 10 लाख से ऊपर वाले, ठीक है। तो यहाँ पे काफी अच्छा सब्सक्रिप्शन देने को मिला डे टू तक। QIBs ने अभी भी अपना पैसा नहीं डाला है, यहाँ पे मेनली QIBs पैसा डालेंगे तभी मजा आएगा इस IPO में। अगर जो बोलूं मैं आपको अप्लाई कब करना है गाइस, एटलीस्ट 30-40 टाइम यहाँ पे सब्सक्रिप्शन हो जाए उसके बाद ही अप्लाई करना, तभी थोड़ा सेफ मिलेगा, वरना आप फंस भी सकते हो। मार्केट अपने हाई पे है, जब इसकी लिस्टिंग होगी ना मार्केट गिरा तो लिस्टिंग गेन भी खा जाएगा। तो यहाँ पे बताऊंगा आपको कितना ग्रह मार्केट में चल रहा है, लेकिन इससे कम का सब्सक्रिप्शन में अप्लाई नहीं करना है। और आपको ज्यादा मिलने के चांसेस जो है वो रिटेलर्स की कैटेगरी में है, क्योंकि 35% का कोटा पहले तो इनके लिए है, ठीक है। कल मैं आपको अलग अलग फिगर बता दूंगा किसके पास कितने पैसे का है, और यहाँ पे देख सकते हो किसके लिए कितने लॉट अलॉटेड हैं आपके सामने स्क्रीन पे है, ठीक है। तो यहाँ पे इससे कम के सब्सक्रिप्शन में आप जा तो सकते हो पर रिस्क होगा। बाकी अगर जो आपको चाहिए तो टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना, मैं एक बार फिर से आपको फाइनल डिसीजन बता दूंगा, ठीक है, मतलब फाइनली कब लगाना है कब नहीं लगाना है, ठीक है, किसके लिए सही रहेगा किसके लिए नहीं सही रहेगा। आई होप आप यहाँ पे समझ चुके हो। अगर जो कुछ रहा भी तो मैं कल आपको टेलीग्राम पे या वीडियो के थ्रू बता दूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम पे जरूर आप जुड़ जाना। यहाँ पे गाइस धर्माज ग्रुप की ग्रे मार्केट की बात करूं तो अभी भी स्टेबल देखने को मिल रहा है, 50 रुपए 55 रुपए कहीं पे 47-48 की डिमांड है। तो 50-55 के हिसाब से हमें यहाँ डिमांड ठीक ठाक से निकलती हुई दिख रही है, ठीक है। अगर जो एक लॉट में देखा जाए तो करीब 3,000 से 3,300 रुपए तक का गेन, मतलब ठीक है और स्टेबल है तो काफी बढ़िया देखने को मिल रहा है, मतलब 3,300 रुपए तक का गेन। यहाँ पे परसेंटेज की बात करूं गाइस तो 22-23% का गेन है जो कि ओके है ओवरऑल, लेकिन यहाँ पे 20-22% का गेन जो है वाइप आउट भी हो सकता है या फिर कम भी हो सकता है, 5-10% में रह सकता है। तो यहाँ पर रिस्क अभी मत देना, थर्ड डे 12-1 बजे के बाद ही लगाना, ठीक है, सब्सक्रिप्शन देखने के बाद। तो आई होप आपको सब कुछ पसंद आया होगा यहाँ पर जानकारी। अगर जो आप यहाँ तक हो वीडियो में तो लाइक कर देना वीडियो को। अगर जो आपको SME कैटेगरी बारे में जानना है तो आगे SME कैटेगरी बारे में बात होगी IPOs की, ठीक है, और नहीं जाना था वीडियो बंद कर सकते हैं, बट लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर जाना। तो यहाँ पे अंबो एग्रीटेक की बात करूंगा इस, तो यहाँ पे 21 को ओपन हुआ था, 2400 क्लोज होगा, 30 रुपए का प्राइस बन रखा गया, एक लॉट में आपको 4,000 शेयर मिलेंगे और आज इसका अलॉटमेंट आना है, ठीक है। इसका अलॉटमेंट जब भी आएगा इसका लिंक मैं टेलीग्राम पे न्यूज चैनल पे या फिर मेन चैनल जहाँ पे 23,000 सब्सक्राइबर देने वाले वहां पे शेयर कर दूंगा। अभी तक अलॉटमेंट नहीं आया जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम काफी स्टेबल देखने को मिल रहा है, 10 रुपए 11 रुपए, ठीक है, मतलब कल के दिन रूमर GMP थी 15 रुपए तक की, पर 11 से 15 तक की डिमांड थी, अभी 10 से 11 में सिमटती हुई दिख रही है, जो कि होता है करीब 40 से 44 हजार रुपए पर लॉट का गेन, क्योंकि SME कैटेगरी का IPO यहाँ पे 4,000 एक लॉट में, और 4,000 को आप 30 से मल्टीप्लाई कर लो, मतलब 1,20,000 रुपए आपको एक लॉट के लिए देना होगा। कल इन पे मैं एक डिटेल वीडियो लाने की कोशिश करूंगा आपको सब कुछ बताने के लिए, क्योंकि कल है लास्ट डे प्रतीका इंजीनियरिंग का और गाइस बहती रिसाइकलिंग का, इसलिए मैं कल एक वीडियो इस पे जरूर लाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे गाइस प्रतीका इंजीनियरिंग की बात करूं तो 25 से ओपन हुआ था, 30 से क्लोज, यानी कल लास्ट डेट होगा, 29 रुपए का प्राइस बैंड है, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे एक लॉट में 4,000 शेयर देखने को मिल रहे हैं, और जो सब्सक्रिप्शन हुआ है NIIs ने काफी कम किया है, 8.11 टाइम्स, रिटेलर्स ने 49.83 टाइम कर दिया है। तो यहाँ पे गाइस रिटेलर्स अभी 100 टाइम भी जा सकते हैं और यहाँ पे NIIs भी 30 देखने को मिलते हैं SME कैटेगरी IPO में। तो कल मैं एक बार इसके बारे में ना आपको बता ही दूंगा कि क्या करना है इसमें। यहाँ पे टोटल 28.97 टाइम सब्सक्राइब होता हुआ दिखा है और सब्सक्रिप्शन तो डे टू के हिसाब से ठीक है, साइज बहुत बड़ा होता नहीं इनका तो फिर सब्सक्रिप्शन इतना ठीक है। ऊपर से गाइस यहाँ पे जो ग्रे मार्केट प्रीमियम डिमांड है ना वो 32 से कंपैरिजन में काफी कम है, मतलब 5 से 7 रुपए GMP है, जो कि होता है 25 से 28 हजार रुपए। तो यहाँ पे गाइस कहीं ना कहीं अग्रेसिवनेस जो है GMP में भी और यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है इसमें, ठीक है। इसका डेट 28 को ओपन हुआ था, 23 को क्लोज होगा, 45 रुपए का लॉट है, इसलिए 3,000 शेयर एक लॉट में मिलने वाले हैं और यहाँ पे सब्सक्रिप्शन आप देख लो 102 टाइम रिटेलर्स ने और NIIs ने यहाँ पे 19.09 टाइम कर दिया और ओवरऑल यहाँ पे 60.67 टाइम हो गया। ये IPO गाइस एक शानदार लिस्टिंग दे सकता है SME कैटेगरी में, हालांकि ये जो तीनों IPO ना तीनों IPO ठीक करते दिख रहे हैं, कुछ ना कुछ लिस्टिंग दे जाएंगे, लेकिन ये IPO भाई लिस्टिंग के बाद यहाँ पे अपर सेकेंडरी सिचुएशन भी आ सकता है और अच्छी लिस्टिंग है तो यहाँ पे देगा ही देगा। बाकी कल मैं एक बार वीडियोस के ऊपर आपको फिर से बना के बता दूंगा। इसका जो करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम गाइस वो हमें देखने को मिल रहा है 30 से 32 रुपए, जो कि होता है 95 से 96 हजार रुपए, अप्रोक्सिमेटली 96,000, मतलब ह्यूज डिमांड में हमें ये देखने को मिल रहा है। सब्सक्रिप्शन डिटेल और बाकी सबके लिए आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कल मैं ऐसे में कैटेगरी वीडियो जरूर आपको बना के देने वाला हूं और उसमें डिटेल्स भी बताऊंगा और कई सारी चीजें आपको बताऊंगा और साथ में मैं ये भी बताऊंगा कि इन दोनों IPOs में बहती और प्रतीका में कौन बेहतर है और किसमें अप्लाई करना चाहिए। अगर जैसे में कैटेगरी बारे में जानना है चैनल को सब्सक्राइब कर रखना ताकि आपको कल अपडेट मिल जाए। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, डिटेल्स जो हमने बताई है वो आपको समझ में आई होगी, कुछ पूछना कमेंट में पूछ सकते हैं और गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। करते हैं वीडियो का एंड, थैंक यू वॉचिंग, स्पेशल दिस टेबल दी एंड बाय फॉर नाउ।